आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है भेड़ चाल। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन दोपहर के समय आकाश में घने बादल छाए हुए थे। जोरों से वर्षा हो रही थी। जंगल में अंधेरा सा छाया हुआ था। थोड़ी देर में वर्षा बंद हो गई और बादल एक जगह से थोड़ा हट गए, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जमीन पर आने लगी। मीकू बंदर को शरारत सूझी। वो नटखट तो था ही। पास ही पेड़ के नीचे बैठी भेड़ों के पास जाकर जोर से चिल्लाया, देखो ऊपर बादल फट रहे हैं, भागो भागो। भेड़ें डरपोक होती हैं। उन्होंने ऊपर देखा, सचमुच बादलों में छेद नजर आया। मीकू फिर चिल्लाया, भागो भागो, बड़ी तबाही होने वाली है, बादल फट रहे हैं। कुछ भेड़ें उठी और घबराकर भागने लगी। फिर शुरू हो गई भेड़ चाल। सभी भेड़ें भागने लगी। वे चिल्लाती जा रही थी, भागो भागो, बड़ी तबाही होने वाली है, ऊपर देखो बादल फट रहे हैं। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी सुना और देखा, भेड़ें ठीक कह रही थी। बादलों के बीच छेद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। सूरज की रोशनी और तेज होती जा रही थी। वे भी साथ साथ भागने लगे और चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, बड़ी तबाही हो रही है, बादल फट रहे हैं। जंगल की आग की तरह ये अफवाह फैलती ही जा रही थी और घबरा कर दौड़ने वाले जानवरों की संख्या भी। पक्षी भी घबरा कर इधर उधर उड़ने लगे। भालू दादा और राजा शेर ने सबको रोका और बोले, अरे घबराने की कोई बात नहीं, जरा सोचो, बादल फटता है तो वर्षा बहुत तेज होती है, एकदम बाढ़ ही आ जाती है। अब तो वर्षा बंद हो रही है और धूप निकलती जा रही है, बादल खुल रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। पूछताछ में पता चला कि यह मीकू की शरारत थी। उसने सबसे पहले भेड़ों को डराया था। मीकू को राजा शेर ने बुलाकर अफवाह फैलाने और जंगल में अशांति फैलाने पर डांटा और कहा, अरे यह मनुष्यों की बीमारी जंगल में मत फैलाओ। उनमें ऐसा होता है कि कोई अपने प्रचार के लिए कुछ भी बोल देता है, उसके दल के लोग उसका साथ देते हैं, फिर बहुत से लोग समर्थन में आ जाते हैं या विरोध में आंदोलन करते हैं, अशांति फैलाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जंगल के प्राणी भोले और ईमानदार होते हैं, उन्हें वैसा ही रहने दो, इससे जंगल में शांति बनी रहेगी। मीकू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी शरारत इतना बड़ा रूप ले सकती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।